भगवान बुद्ध की छोटी मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ, रंग बिरंग की मूर्तियाँ, एक से बढ़कर एक मन मोहने वाली मूर्तियाँ, दूसरे धर्मों की भी सुंदर और आकर्षक मूर्तियाँ, सब एक ही जगह पर, यहीं पर बनाया जाता है, यहीं पर सुखाया जाता है, यहीं पर रंग रोगन किया जाता है। जी हाँ, ये सब आपको बिहार के नालंदा के नव नालंदा शिल्प ग्राम मूर्ति कला केंद्र यानी नव नालंदा क्राफ्ट विलेज मूर्ति कला केंद्र में मिलेंगी। आप मूर्ति बनाने की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह पर देख सकते हैं। स्थानीय लोग इस काम में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए मिलेंगे। ये मतलब सूर्य भगवान है ना, वही यहाँ आपको होलसेल प्राइस में कुछ भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये सब 30 रुपीज का, ये पूरा 30 रुपीज का, यहाँ जितना ये सब छोटा है ये सब 80 का है यहाँ से। अच्छा अच्छा, और इधर का ये जो बड़े बड़े हैं ये सब 300 है। अच्छा, ये सब किस चीज का बना हुआ है? ये सब मार्बल डस्ट है, इसका आपको कलर का गारंटी मिलेगा, ये वॉशेबल होता है। अच्छा, वॉशेबल होता है, मार्बल डस्ट का बनता है सब। तो आप लोग डस्ट कहाँ से लाते हैं? डस्ट तो राजस्थान से आता है, ईसा मसीह। ओके, बुद्ध भगवान लेटे हुए मुद्रा में आए। ये सारा उसी का है, डस्ट का ही? हाँ, डस्ट का है। तो डस्ट को फिर आप लोग आकार देते होगे? नहीं, हाँ, कुछ केमिकल डाल के उसको मतलब मोल्ड में निकालते हैं। अच्छा, इधर से जो रेट है उसका? इसका ये 80 रुपीज है, ये 150 का है, ये 180 का। अच्छा, ये 80 रुपीज है। ये सब काला कलर क्या लगाते हैं आप लोग? पेंट होता है, पेंट काला। अच्छा, सब रंगन पेंट होता है। अच्छा, सब रंगन के पेंट होता है, वही पेंट सब लगाते हैं? नहीं। अच्छा, और ये बनाते हैं किसका? अच्छा, मतलब अच्छा सांचा पर ढलाता है सब। अच्छा। देश का गौरव प्राचीन नालंदा खंडहर यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से कुछ ही दूरी पर यह मूर्ति कला केंद्र है। यहाँ हमेशा सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। नालंदा कभी भी आते हैं तो नव नालंदा शिल्प ग्राम मूर्ति कला केंद्र में जरूर आइए। तो अब सवाल है कि नव नालंदा शिल्प ग्राम मूर्ति कला केंद्र पहुँचेंगे कैसे? इसके लिए आपको नालंदा आना होगा। नालंदा हवाई मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके दो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट हैं, पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा और गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर आप वहां से बस, ट्रेन, टैक्सी से नालंदा पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग नालंदा में भी रेलवे स्टेशन है, किंतु यहां का प्रमुख रेलवे स्टेशन राजगीर है। राजगीर जाने वाली सभी ट्रेनें नालंदा होकर जाती है। अब सड़क मार्ग से आना हो तो पटना से भी आ सकता है, गया से भी आ सकता है। राजगीर से 12 किलोमीटर दूर है, बोधगया से 110 किलोमीटर, गया से 95 किलोमीटर, पटना से 90 किलोमीटर, पावापुरी से 26 किलोमीटर और बिहार शरीफ से 13 किलोमीटर दूर है नालंदा। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।